आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो आप जानते हैं कि यूपी में चौथे चरण का मतदान जारी हो चुका है, जिसमें 59 सीटों पर मतदान होगा। तो इस दौरान 624 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। साथ ही चौथे चरण में प्रदेश की हॉट सीटों पर मतदान होना है, जिसमें लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर खीरी समेत तमाम कई सीटें शामिल है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने लगातार डोर टू डोर कैंपेन करके जनसंपर्क के माध्यम से जनता को अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश की थी। तो आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदान चालू हो चुका है और अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती ने मतदान कर भी दिया है। इस दौरान लखनऊ में कई दिग्गज मतदान भी करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। तो आपको बता दें कि इस वक्त प्रदेश में चौथे चरण का मतदान चल रहा है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी लगातार जो है वो पोलिंग बूथों पर जाकर अपना मतदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी लखनऊ में अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान दिया है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फतेहपुर और लखनऊ में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। किसी पार्टी का प्रत्याशी भगवान का आशीर्वाद लेकर मतदान डालने जाएगा, तो वहीं सीतापुर, उन्नाव में आम जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह पोलिंग बूथ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है, चाहे वो फतेहपुर हो, सीतापुर हो, लखीमपुर हो या फिर उन्नाव ही क्यों ना हो। जबकि लखनऊ में आप देख सकते हैं कि राजेश्वर सिंह चंद्रिका देवी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले माता का आशीर्वाद लिया है। इस दौरान मायावती ने भी लखनऊ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस दौरान उनके साथ सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। तो इस चौथे चरण में कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी है। फिर चाहे वो सोनिया गांधी का गढ़ रायबरेली हो या फिर राजनाथ सिंह का गढ़ लखनऊ हो, तो इस चौथे चरण के मतदान में तमाम दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लग रखी है, जिसको लेकर सभी पार्टी लगातार चुनावी प्रचार में डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच जा रही थी। और 2017 का भाजपा चुनावी परिणाम इस 2022 में भी दोहराना चाहेगी, जिसको लेकर भाजपा ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है, जबकि सपा ने भी लगातार जनता को अपने खेमे में लाने के लिए पूरी कोशिश की है। तो चौथे चरण में 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन 59 सीटों में 9 जिलों में वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और पोलिंग बूथों पर लगातार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पे भाजपा सपा की सीधी सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा 2017 का अपना चुनावी परिणाम दोहराना चाहेगी, लेकिन सपा बिल्कुल इसके उलट चाहेगी और सपा चाहेगी कि इस बार 2022 के चुनाव में सपा प्रचंड जीत के साथ अपनी सत्ता बनाए, अपनी सत्ता में आए। तो चुनावों की तैयारियों का जायजा हम उन्नाव के अपने संवाददाता चैतन्य त्रिपाठी से लेंगे। जी चैतन्य जी, सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, जिसको लेकर लोगों में क्या उत्साह, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बताना चाहूंगा कि जनपद उन्नाव में 7 बजे से ही मतदान चालू हो गया है और 23 लाख मतदाता यहाँ पे 57 प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला करेंगे। सभी लोग पूरी तरीके से जागरूक हैं और जिला प्रशासन की मुस्तैदी आप देख सकते हैं किस तरीके से पीछे जिला प्रशासन मुस्तैद है और किसी भी अराजक तत्व के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एकदम लामबंद है कि अगर कोई भी यहाँ पे गड़बड़ होती है तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जी जी, तो लगातार 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और कई जनपदों से ईवीएम खराब होने की भी खबर आई थी, तो क्या उन्नाव से अभी तक ऐसी कोई खबर सामने आ रही है?
फिलहाल तो ऐसी अभी कोई खबर नहीं आ रही है यहाँ पे। और आपको बताना चाहूंगा, चूंकि जिला प्रशासन ने लगातार तो चैतन्य जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम आपको बता दें कि 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसको लेकर सभी पार्टी के प्रत्याशियों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। तो एक बार फिर उन्नाव से हमारे संवाददाता चैतन्य त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। तो चैतन्य जी, 2017 के चुनावी नतीजे उन्नाव में क्या रहे थे? 2017 की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ही अपना गढ़ मजबूत किया था, और समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टियों की रैलियों में, जनसभाओं में हम लोगों ने काफी भीड़ देखी थी, लेकिन जस्ट जो है उसके उलट परिणाम आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय की लहर बताई जा रही थी कि वो कहीं ना कहीं मोदी और योगी जी की लहर थी। और जस्ट अगर इस बार की आप बात करें 2022 की, तो 2022 में कहीं ना कहीं जो है किसान लगातार आहत रहे और किसान लगातार परेशान रहे, तो जिसको लेकर उन्होंने कई बार जो है जिला प्रशासन से शिकायत भी की। और जब भी कोई प्रत्याशी जो बीजेपी का था और वो जाके गांव में अपना प्रचार प्रसार कर रहा था, तो किसान लगातार अपनी समस्याओं को बता रहे थे, और कई जगह तो उन्होंने ये भी कह दिया था विकास नहीं तो वोट नहीं, और अगर हम लोग परेशान हैं तो किसी भी प्रकार का वोट जो है नहीं दिया जाएगा। जी, मतदान को लेकर लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबह 7 बजे के बाद अभी समय 8 बज रहा है, और भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं की भीड़। आज तक जो कहा जाता है कि महिलाएं घर से जो नहीं निकल पाती हैं, तो इस बार कहीं ना कहीं जागरूकता जो है वो पूरी तरीके से देखी जा रही है। कि पीछे आप हमारे देख सकते हैं कि महिला जो है पूरी तरीके से जागरूक है, वही पुरुष वर्ग, युवा वर्ग भी पूरी तरीके से जागरूक नजर आ रहा है। सभी लोग मतदान अब कर रहे हैं। इस समय मैं अपने जो है 203 नंबर पोलिंग बूथ पे हूँ, जहाँ जो मोहारी बाग है, वहां पे भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे भी महिलाएं जो है पूरी तरीके से जागरूक होकर वोट डालने आई हैं। जी जी, तो चैतन्य जी, आपने जैसे बताया कि 2017 में योगी मोदी की लहर का असर देखने को मिल रहा था, क्या इस बार भी ये असर देखने को मिलेगा? जी, इस बार कहीं ना कहीं परिणाम जो है वो पहले जैसे नहीं देखे जा रहे हैं, क्योंकि जो उस समय था वो इस समय नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्नाव में जनसभा की गई पीएम की, तो उसमें भी एक चेक एंड मेट का फॉर्मूला अपनाया गया, और उस फॉर्मूले में भी जो उन्होंने समस्या थी किसानों की, उसको 10 मार्च के बाद हल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी किसानों की समस्या है अन्ना मवेशियों को लेकर, वो 10 मार्च के बाद उसमें हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदलाव जरूर देखेंगे। और अगर हम लोग मवेशी जो दूध नहीं देती है, मवेशियां गाय जो दूध नहीं देती, उसको हम लोग घर से भगा देते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करने जा रहे हैं कि ये मवेशी को घर पे ही रख के उससे व्यवसाय किया जाएगा। जी, तो क्या लगता है कि कौन से मुद्दे से इस बार भाजपा पीछे आ सकती है या बैकफुट पर आने की उम्मीद है? सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा है। किसान रात रात भर जग के अपनी फसल को बचा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे जब भी बीजेपी प्रत्याशी कोई गया है उस गांव में और जो प्रचार प्रसार करने गया, तो कहीं ना कहीं उसमें कई बात सामने आ रही थी। किसान लगातार यही कह रहे थे कि हम लोग रात रात भर जग के यहाँ पे रखवाली कर रहे हैं, और चुट्टा मवेशियों को लेकर इतनी गौशालाएं की बात की गई और उनके गौवंशियों के संरक्षण की बात कही गई, लेकिन उसके बावजूद जो है छुट्टा मवेशी, अन्ना मवेशी सड़कों पे घूम रहे हैं और जो है किसानों की फसलें चौपट कर रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में एक भारी आक्रोश देखा गया इस बार। तो कहीं ना कहीं जो लहर एक पिछली 2017 में देखी गई थी, उससे काफी बदलाव इस बार दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जब पिछली लहर थी तब योगी मोदी की लहर थी, इस बार सीधा लोग बीजेपी प्रत्याशियों को यही कह रहे हैं कि 5 साल आप लोग कार्यकाल पे रहे, उसके बावजूद अभी तक गौशालाओं की व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं हो पाई, अन्ना मवेशी लगातार हम लोग को परेशान कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी दूसरा मुद्दा है। हालांकि उस मुद्दे को इतना ज्यादा नहीं ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन किसानों के मुद्दे जो है कहीं ना कहीं गरमाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लहर पिछली बार थी, तो वो लहर इस बार नहीं देखने को मिल रही है। तो चैतन्य जी, अगर बात 2017 की जाए, तो 2017 के मुकाबले इस बार कौन सा प्रत्याशी ज्यादा चुनावी मैदान में एक्टिव दिखा है? अगर आप बात करें कि समाजवादी पार्टी, और अगर आप बात करें भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं पिछली बार जो थी वो एक लहर दिखाई पड़ रही थी हर जगह, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे दिखाई पड़ रही थी। लेकिन इस बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जब भी कोई बीजेपी का कैंडिडेट या उनके समर्थक किसी तरीके का प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सारी समस्याएं देखी जा रही हैं।
और बीजेपी का कैंडिडेट जो इस बार जो पिछले पिछले लास्ट टाइम में जिसने अच्छा प्रचार प्रसार किया और अच्छे मतों से विजयी हुए, उसके सामने एक निकटता प्रतिद्वंदी यहाँ से समाजवादी पार्टी का है जिसका नाम अभिनव कुमार है, और जो भारतीय जनता पार्टी के उनका नाम पंकज गुप्ता है। तो ये दोनों ही अभी इस बार तो बिल्कुल आमने सामने निकटतम प्रतिद्वंदी माने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें कौन जीते ये स्थिति असमंजस की है। पिछली बार स्थितियां साफ थी, लेकिन इस बार स्थितियां असमंजस की बनी हुई है। जी तो धन्यवाद चैतन्य त्रिपाठी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि उन्नाव में सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जबकि इस बार उन्नाव की जनता जो आवारा पशुओं की वजह से जो उन्हें दिक्कतें हुई हैं उसको लेकर अपना वोट देगी और अपने प्रत्याशियों को चुनेगी। तो आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदान चालू हो चुका है, और इस बार उन्नाव में महिला वोटर जो है वो ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही हैं। तो उन्नाव में ये सीधा सीधा कहा जा सकता है कि भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, और इस दौरान योगी और मोदी लहर का असर उन्नाव में कुछ कम देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा सीधा फायदा सपा को हो सकता है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में सुबह 7 बजे से ही चौथे चरण को लेकर मतदान हो रहे हैं, जिसको लेकर सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं अगर बात उन्नाव की जाए तो उन्नाव में महिला वोटर और युवा ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। सुबह से ही उन्नाव में वोट डालने के लिए लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि इस दौरान यूपी में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चौथे चरण के मतदान में कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी है, फिर चाहे वो सोनिया गांधी का गढ़ रायबरेली हो या फिर राजनाथ सिंह का गढ़ लखनऊ हो, इनके साथ ही तमाम कई दिग्गजों की भी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। तो आपको हम बताते चले कि यूपी में चौथे चरण का चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है और 3 चरणों के मतदान अब तक प्रदेश में संपन्न हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि चौथे चरण का चुनावी रण जो है वो शुरू हो चुका है और सुबह 7 बजे से ही मतदान डाले जा रहे हैं। इस दौरान लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता धीरज तिवारी जुड़ चुके हैं। तो धीरज तिवारी, मतदान को लेकर लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें लखीमपुर खीरी में आज चौथे चरण का जो मतदान है, 7 बजे से सारे लगभग पोलिंग बूथ जो है वो चल रहे हैं, बराबर मतदान हो रहा है। और अगर लोगों के उत्साह की हम बात करें तो बिल्कुल पूरी तरीके से लोग उत्साहित है। सुबह से जो बूथों पर बाकायदा लाइनें लगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं मतदान करके, शांतिपूर्वक लोग जा रहे हैं। जैसा कि आपको बता, इस समय हम श्रीनगर विधानसभा के भदूरी बूथ पर 10 नंबर बूथ पर मौजूद है। यहाँ पर लोग बाकायदा आए हुए, लाइनें चल रही, आप देख सकते कैमरा में से कहेंगे एक बार भीड़ दिखाए, बाकायदा पूरी तरीके से लोग जो है लगे हुए हैं, बाकायदा शांतिपूर्वक जो है मतदान चल रहा है। कहीं पे भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। लगातार 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं और ईवीएम खराब होने की भी खबरें सामने आई थी, तो इस बार क्या अभी लखीमपुर खीरी से कोई ऐसी खबर सामने आई है कि ईवीएम कहीं पे खराब हो गई है या मतदान कहीं पे रुका हुआ है? जी देखिए बिल्कुल बता दें, लखीमपुर खीरी में पूरी तरीके से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। अभी तक लखीमपुर खीरी में जो 3173 बूथ बनाए गए हैं, बाकायदा मतदान चला है, लेकिन अभी लखीमपुर खीरी से कहीं भी ऐसी कोई भी सूचना नहीं आई है कि कहीं पे भी ईवीएम खराब हो या कहीं पे भी कोई मतदान में को लेकर विवाद, या बिल्कुल पूरी तरीके से शांतिपूर्वक व्यवस्था से जो है मतदान लखीमपुर खीरी में चल रहा है आज की डेट। इस बार लखीमपुर खीरी के मुद्दा क्या होगा कि वहां की जनता किस मुद्दे पर आखिर अपना प्रत्याशी चुनेगी? देखिए बिल्कुल बता दें आपको, लखीमपुर खीरी में जो मतदान हो रहा है आज की डेट में, उसमें जो जनता पूरी तरीके से उत्साहित है। और अगर हम लखीमपुर की जनता की वोटिंग के मुद्दे की लेकर बात करें तो लखीमपुर की जो जनता है पूरी तरीके से जो है विकास के मुद्दे पर ही मतदान कर रही है। वहां की जनता के आखिर विकास के मुद्दे क्या है? बिल्कुल जो है हमारी लोगों से बात हुई, जो लोग वोट मतदान करके निकल रहे हैं बराबर पूरी तरह उनसे बात हो रही, तो उनका साफ तौर से कहना कि आवारा पशु है जो, उनसे किसान परेशान है और शिक्षा को लेकर भी लोग परेशान है, बेरोजगार लोग जो है, इन मुद्दों पर जो है वोटिंग हो रही है। मतदान जो है वो चालू हो चुके हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना सजग दिखाई दे रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है?
देखिए बिल्कुल लखीमपुर खीरी में सुरक्षा व्यवस्था जो करीब 25,000 पुलिसकर्मी जो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए, उसके बाद में अगर लखीमपुर बूथों की सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, पूरी तरीके से लोग सुरक्षा व्यवस्था के लोग तैनात है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से शांत रूप से जो है मतदान चल रहा है। धीरज जी, 2017 के मुकाबले क्या 2022 में भी योगी मोदी लहर का असर देखने को मिल रहा है लखीमपुर खीरी में? देखिए बिल्कुल इस तरीके की तो अभी लहर की तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब की जो मतदान हो रहा है बिल्कुल जनता जो है एकदम गुप्त मतदान कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो लोग जो है उनके चेहरे पर भी मतदान कर रहे हैं। तो धीरज तिवारी जी, अगर हम बात 2022 की करें तो अभी तक कौन कौन से दिग्गज लखीमपुर खीरी में जनता को संबोधित करने आ चुके हैं? देखिए बिल्कुल लखीमपुर खीरी में जो स्टार प्रचारक थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी आए थे, और लखीमपुर खीरी में जो योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हुई थी, 5 रैलियां हुई थी एक ही दिन में, उसके बाद में राजनाथ सिंह भी रक्षा मंत्री भी का भी प्रोग्राम लगा था, लेकिन वो किन्हीं मौसम के खराब कारणों के वजह से जो है हेलीकॉप्टर उनका उतर नहीं पाया था, और गृह मंत्री भी मोहम्मदी में प्रचार किए। लखीमपुर खीरी में क्या अभी तक किसी दिग्गज ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? अभी अभी नहीं, देखिए बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जो रेखा वर्मा सांसद है, अभी उन्होंने मतदान नहीं किया है। वहीं अगर हम निघासन की बात करें तो निघासन में जो राज्य गृह मंत्री ये आशीष मिश्रा है, उन्होंने अभी मत का प्रयोग नहीं किया, सोच रहा है कि 9 बजे के करीब वो मतदान करेंगे। धन्यवाद धीरज तिवारी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में भी मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अभी तक लखीमपुर खीरी और उन्नाव दोनों ही जिलों से ईवीएम खराब होने की कोई खबर नहीं आई है, और शांतिपूर्वक तरीके से ही दोनों जनपदों में मतदान चल रहा है। लगातार सुबह से ही वोटरों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, फिर चाहे वो लखीमपुर हो चाहे वो सीतापुर हो, हर जगह की जनता का मुद्दा बस विकास है और आवारा पशुओं से छुटकारा पाना है। तो आपको बताते चले कि प्रदेश में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। इस दौरान लखीमपुर और उन्नाव के संवाददाता से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि सुबह से ही लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, फिर चाहे वो पुरुष हो महिला हो या फिर नौजवान ही क्यों ना हो, सभी अपने मताधिकार का प्रयोग बखूबी कर रहे हैं और सभी इस बार विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। पूरे जनपद में सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद है ताकि शांतिपूर्वक तरीके से दोनों ही जनपदों में मतदान हो सके। इन दोनों ही जगहों पर भाजपा और सपा के प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। अब इसका फैसला तो 10 मार्च को ही सामने आएगा कि आखिर जनता ने किसके सर पर ताज पहनाए हैं, लेकिन आज मतदान के दिन लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण ये तस्वीरें थी जो हमने आपको दिखाई, जहां सुबह 7 बजे से ही मतदान चालू हो चुका है और लोग मतदान स्थल पर जाकर लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट देकर इस बार सत्ता में लाने का काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि चौथे चरण का चुनावी रण जो है वो छिड़ चुका है और सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू भी हो चुके हैं। इस खबर पर बांदा से रिजवान खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रिजवान जी, सुबह 7 बजे से ही मतदान चालू हो चुका है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह कितना है? और यहाँ पे काफी भीड़ जो है जमा हुई है, यहाँ पे जो है बांदा के पंडित जैन में मूर्ति पे खड़ा हुआ हूँ इस समय पे, और यहाँ पे काफी लोग रहता है, मैं जो है बहुत ही अच्छा यहाँ का प्रोग्राम चल रहा है। बात अगर 2017 की जाए तो 2017 के मुकाबले 2022 में कौन से पार्टी का प्रत्याशी चुनावी मैदान में ज्यादा एक्टिव नजर आया है? अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे अगर जो भी है तो यहाँ पे दो ही प्रत्याशी को ज्यादा समझ में आ रहा है, वो है जो है भाजपा और जो है
क्या बोलते हैं सपा। बांदा की ऐसी कौन सी सीटें हैं जिस पर निगाह लोगों की टिक रखी है, ऐसी हॉट सीटों के बारे में बताइए रिजवान जी। ऐसी चीजें तो यहाँ प्रशासन की देखने लायक है, प्रशासन यहाँ का जो है बहुत ही मुस्तैद और अलर्ट है और हर जगह चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात हुई है और इस प्रशासन की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि जो है यहाँ पे कोई भी घटना ना होने पाए, कोई भी कुछ ना होने पाए, इसलिए हर जगह प्रशासन की तारीफ करने लायक है। रिजवान जी, बांदा से 2017 का चुनावी नतीजा क्या रहा था? जी मैम, बांदा से 2017 का चुनावी नतीजा क्या रहा था रिजवान जी? बांदा से चुनावी नतीजा 2017 का रहा था केवल भाजपा की लहर। अभी तक किन किन दिग्गजों ने जनपद से अपना मतदान किया है, अपने मताधिकार का प्रयोग अब तक कौन कौन से दिग्गज कर चुके हैं? अभी तक तो यहाँ पे 7 बजे से वोटिंग चालू है, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं आया है, यहाँ पे आम जनता ही कर रही है वोटिंग। तो आम जनता के इस बार मुद्दे क्या है, वो किन मुद्दों पर अपने प्रत्याशी चुन रही है? बेरोजगारी और किसान जो परेशान था उस मुद्दों पे चुनाव कर रही है, वोटिंग कर रही है। अभी तक कौन कौन से दिग्गज अपना प्रचार प्रसार करने बांदा आ चुके हैं और क्या उनके दौरे से सियासी समीकरण बिगड़ सकता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो भी आए हैं तो क्योंकि जो आचार संहिता का उसका उसमें उसके उल्लंघन नहीं किया, इसलिए इसमें बिगाड़ने का कोई माहौल नहीं है। धन्यवाद रिजवान जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बांदा में भी भाजपा और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और सुबह से ही जनपद में लोगों के बीच मतदान को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अभी तस्वीरों में आपने देखा कि बांदा में सुबह से मतदान चालू हो चुके हैं और सुबह से ही वोटर्स की लंबी कतारें भी लग चुकी हैं और जनपद में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और अभी तक बांदा में जितने भी नेता आए, किसी भी नेताओं ने, किसी भी दिग्गज ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि अभी तक बांदा में आचार संहिता का उल्लंघन चुनाव प्रचार के दौरान नहीं किया गया है। तो बांदा, लखीमपुर खीरी और उन्नाव तीनों ही जनपदों से आपने हमारे संवाददाताओं को सुना और आपने सुना कि लगातार 7 बजे से ही लोगों में खासा उत्साह चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है। मतदान स्थल के बाहर लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। इस दौरान महिलाओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार महिलाएं भी अपने मताधिकार का इस चुनावों में प्रयोग कर रही हैं। तस्वीरों में आपने देखा कि कैसे मतदान स्थल के बाहर महिलाएं भी लंबी कतारों में लगी नजर आईं, जबकि इस बार जनता ने अपना मन बना लिया है कि वो विकास के मुद्दे पर ही अपना प्रत्याशी चुनेंगे। तो इस दौरान चौथे चरण में कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लग रखी है और तीनों ही जनपदों में भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो चौथे चरण की 59 सीटों में 9 जिलों में इस वक्त मतदान हो रहे हैं, जिसको लेकर सभी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद हो चुकी है। तो आपको बता दें कि अवध क्षेत्र से लेकर रुहेलखंड तक के इलाकों में ये मतदान हो रहे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने चुनावी प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के कोई भी मौका नहीं छोड़ा था। इस खबर पर फतेहपुर से हमारे संवाददाता अमरदीप त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। तो अमरदीप जी, सुबह 7 बजे से ही जनपद में मतदान शुरू हो चुके हैं, जिसको लेकर लोगों में कितना उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है? जी मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फतेहपुर जनपद में 7 बजे से मतदान चालू हो गया है और रही बात है कि जो लोगों को उत्साह की बात अगर की जा रही है तो उत्साह पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। किसी भी जो अदर दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनमें भी पूरी तरीके से मतदान के लिए अशक दिखाई पड़ रहा है और मतदान के लिए वो बहुत ही तत्परता के साथ और अपने अगल बगल के पड़ोसियों को साथ में लेकर के वो मतदान करने के लिए बूथ सेंटर पर पहुंच रहे हैं। जी मुस्कान, इस चुनावों में महिला वोटर्स कितनी एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि अभी हमने अपने उन्नाव में संवाददाता से बात की तो वहां पोलिंग बूथ के सामने लगातार महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है, तो फतेहपुर में महिला वोटर्स कितनी एक्टिव है? जी हाँ, ये अच्छा सवाल किया है मुस्कान जी आपने कि महिला वोटर कितनी जागरूक है अपने इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर। ये बात बिल्कुल सच है कि इस समय पुरुषों की अपेक्षा जिस बूथ पर मैं खड़ा हुआ हूँ वहां पर महिला वोटरों की संख्या अधिक से अधिक दिखाई पड़ रही है। महिलाओं में एक जागरूकता आई है,
और इस लोकतंत्र के महापर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए महिलाओं की जो है सहभागिता पूरी तरीके से साफ साफ नजर आ रही है कि आगे जो 10 मार्च को जो मतगणना होगी उसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का योगदान ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छा ही जाएगा। जी 2017 की अगर बात की जाए और 2022 की, तो 2017 के चुनावी नतीजे जो है अमरदीप जी फतेहपुर से क्या रहे थे? देखिए मैं आपको बता दूं कि आपने जो सवाल किया है कि 2017 अगर ये मैं बात करूं कि 2000 अगर मैं 12 को लेके चलूं तो 2012 में सपा की जो सरकार बनी थी उसमें 58% का जो मतदान प्रतिशत का जो योगदान रहा था और उसी कड़ी पे अगर हम 2017 को लेके चले तो 2017 में 58.79% की जो है जो मतदान प्रतिशत रहा था उसमें बीजेपी की सरकार बनी थी। और 2022 की अगर हम बात करें तो अभी तो देखिए कि यहाँ पर जो नजारा देखने को मिल रहा है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो दोनों की सहभागिता बराबर साफ नजर आ रही है। अब तो ये अभी से कोई भी कयास नहीं लगाया जा सकता है कि कौन किसके पक्ष में मतदान कर रहा है और किसकी सरकार बनी, ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। जी अमरदीप जी, इस बार जो जनता है वो कौन से चुनावी मुद्दे को लेकर अपना प्रत्याशी चुनेगी, क्या मुद्दा है आखिर फतेहपुर की जनता का? जी मुस्कान जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि प्रत्याशियों या जो ये मतदाता हैं उनका क्या मुद्दा है। तो उनके मुद्दे की अगर हम बात करें तो देखिए कि ये मुद्दे तो एक ही मुद्दे नजर आ रहे हैं। पहली बात तो आती है कि युवाओं में बेरोजगार की बात, जिसके लिए कि वादा करने के बाद भी यहाँ पर नौकरियों का अभाव पूरी तरीके से साफ दिख रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। अगर वहीं हम किसानों की बात करें तो किसानों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि आखिरकार ये जो आवारा मवेशियों से जो किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं उन फसलों के नष्ट होने का आखिरकार जिम्मेदार कौन है, एक बड़ा ऐसा सवाल है, अनसुलझा सवाल है जिसका कोई उत्तर अभी मिलना बाकी नहीं है। हालांकि इस लोकतंत्र के महापर्व पर जो वर्तमान सरकार ने जो एक आदेश पारित किया या वर्बली रूप से ऐसा बोला कि भाई अगर हम चुनाव जीत जाते हैं या हमारी सरकार बनती है तो हम आवारा मवेशियों के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, पर यहाँ जो जनता करेंगे पर ऐसे वादे जो जनता के बीच जाकर की जो पब्लिक रिव्यू के माध्यम से जो बात की गई तो जनता ने तो यही सीधे कहा कि केवल जुमलेबाजी रही और कोई भी सही निष्कर्ष नहीं निकाला गया। पर अब देखने की बात है कि आखिरकार जनता किस पक्ष में मतदान करती है, ये 10 मार्च को ही पता चलेगा। जी लगातार अभी तक तीन चरणों में जो है वो मतदान संपन्न हो चुके हैं और ईवीएम खराब होने की भी खबरें आई थी, तो क्या फतेहपुर से अभी तक ऐसी कोई खबर आपके सामने आई है? देखिए ऐसा है कि फतेहपुर जनपद में अभी तक तो कोई भी किसी ईवीएम मशीन के खराब होने की खबर तो नहीं आई, पर हाँ जिस बूथ सेंटर पे मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर जो है एक दिव्यांग से मेरी बात हुई, जबकि प्रशासन ये लगातार दावे करता रहा है कि हम दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था करेंगे, पर ऐसा यहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। दिव्यांग ने बताया कि हमने कहा तो नहीं, पर ये प्रशासन की एक मॉरल ड्यूटी होती है कि वो दिव्यांगों के लिए जो कल से या जो एक हफ्ते पूर्व से लगातार ये कहा जा रहा था कि हम दिव्यांगों के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे, पर इस बूथ पे कोई भी ऐसी दिव्यांग के जाने के लिए ले जाने के लिए कोई भी ऐसा जो है संसाधन उपलब्ध नहीं हो सका है। तो लगता है कि वो एक दिव्यांग था, शाम तक और भी कई अन्य बूथों पर दिव्यांग आएंगे उनके लिए क्या है, तो ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है कि आखिरकार कहने यानी कि प्रशासन की कथनी और करनी में अंतर साफ नजर आ रहा है। जी चुनाव आयोग ने जारी किया था ये गाइडलाइन कि जो भी बुजुर्ग है और जो भी दिव्यांग है उनके लिए मतदान स्थल पर व्हील चेयर की व्यवस्था रहेगी, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही की वजह क्या रही है? देखिए चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया, अब चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया उसका पालन कराने के लिए जिला प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर जिला प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे आखिरकार ये किसका हाथ है? कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, क्या प्रशासनिक अधिकारी हो या व्यवस्था कर्मी हो या प्रशासन हो, तो ये बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं कि जिसकी जो जनता के बीच एक ऐसे उभर करके प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कथनी और करनी में साफ अंतर नजर आ रहा है, क्योंकि जब चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा तो आम जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा, ये सोचनी विषय है। जी
धन्यवाद अमरदीप जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि फतेहपुर में भी सुबह 7 बजे से ही लोगों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन मतदान स्थल पर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर एक प्रशासन की कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर चुनाव आयोग ने जब गाइडलाइन जारी की थी तो आखिर ये सारी लापरवाहियां क्यों बढ़ती गई। लखनऊ में चौथे चरण का मतदान जारी, चंद्रिका देवी मंदिर पहुंचे राजेश्वर सिंह। मां चंद्रिका देवी के दर्शन करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी। सरोजनी नगर से भाजपा प्रत्याशी है राजेश्वर सिंह। तो आपको बता दें कि इस वक्त पूरे प्रदेश समेत लखनऊ में भी चौथे चरण का मतदान जारी है, जिसको लेकर चंद्रिका देवी मंदिर पहुंचे राजेश्वर सिंह। मां चंद्रिका देवी के दर्शन करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं उन्होंने मतदान के पहले मां चंद्रिका देवी का आशीर्वाद लिया है। लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती ने डाला वोट, मायावती ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। मॉल एवेन्यू पोलिंग बूथ पर मायावती ने मतदान किया। चिल्ड्रन पैलेस म्यूनिसिपल नर्सरी स्कूल में मायावती ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो आपको बता दें कि लखनऊ में चौथे चरण का मतदान हो रहा है, जिसको लेकर मायावती ने मतदान किया है। इस दौरान उनके साथ सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। तो मायावती ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया है। मॉल एवेन्यू पोलिंग बूथ पर मायावती ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। चिल्ड्रन पैलेस म्यूनिसिपल नर्सरी स्कूल में मायावती ने मतदान किया है। इस दौरान बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी उनके साथ मौजूद रहे। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मायावती ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मॉल एवेन्यू पोलिंग बूथ पर मायावती ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपना मत डाला है। यूपी में चौथे चरण का मतदान शुरू हुआ, लखनऊ की उत्तरी विधानसभा सीट पर मतदान जारी। सामुदायिक केंद्र की पोलिंग बूथ पर हुआ पहला मतदान, डॉक्टर महिमा सिंह ने किया पहला मतदान। तो आपको बता दें कि चौथे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं लखनऊ की उत्तरी विधानसभा सीट पर मतदान शुरू हुआ, सामुदायिक केंद्र की पोलिंग बूथ पर शुरू हुआ मतदान, डॉक्टर महिमा सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो आपको बताते चले कि यूपी में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में लखनऊ की उत्तरी विधानसभा सीट पर भी मतदान जारी है। वहीं सामुदायिक केंद्र की पोलिंग बूथ पर पहला मतदान किया गया और डॉक्टर महिमा सिंह ने यह पहला मतदान करके अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो आपको बताते चले कि यूपी में चौथे चरण का चुनावी रण शुरू हो चुका है, जिसमें 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है और सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए यूपी की राजधानी यानी कि लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, जिसको लेकर मतदाताओं में कितना कुछ जोश दिखाई दे रहा है। जी मुस्कान, अगर बात करें तो लोकतंत्र के पर्व मतदान के दिन जो मतदाता उनके अंदर काफी उत्साह है और सुबह से ही जो भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहाँ वो पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ, जो है यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज वहाँ पोलिंग बूथ बनाया गया। यहाँ खास तौर पे जो उम्रदराज बुजुर्ग लोग हैं वो सुबह आ रहे हैं, मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें चर्चित चेहरों की, तो लखनऊ में आज सबसे पहले चर्चित चेहरों में जो बड़े चेहरे हैं, नेता हैं, उसमें मायावती मॉल एवेन्यू के पास में जो बूथ बनाया गया वहां जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग की, और साथ ही साथ
जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव है सतीश चंद्र द्विवेदी, सतीश चंद्र मिश्र माफ करिएगा, सतीश चंद्र मिश्र, वो भी अपने परिवार के समेत जाकर और अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। और वही आपको बताना चाहेंगे, डीएम अभिषेक प्रकाश गोमती नगर स्थित एक पोलिंग बूथ से अपना मतदान किया अपनी पत्नी के साथ, और उन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया कि पहले मतदान फिर जलपान। और उसी के अपने जो मीडिया के बाइट्स में उन्होंने बताया कि पहले हम मतदान किए, अब जलपान करेंगे, और लोग भी घर से निकले और ज्यादा से ज्यादा इस लोकतंत्र के पर्व में सम्मिलित होकर एक अच्छी सरकार बनाने का काम करें। जी मुस्कान। तो विभांशु, अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी में चौथे चरण का चुनावी रण शुरू हो चुका है, जिसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अमेठी दौरे पर जाएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। जगदीशपुर में नुक्कड़ सभा करेंगी प्रियंका गांधी। गौरीगंज में जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजीव गांधी प्रतिमा से रामलीला मैदान तक रोड शो करेंगी प्रियंका। तिलोई के जायस में रोड शो करेंगी कांग्रेस महासचिव। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेठी दौरे पर जाएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। इस दौरान वो जगदीशपुर में नुक्कड़ सभा भी करेंगी, साथ ही गौरीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। इसके साथ ही वो राजीव गांधी प्रतिमा से रामलीला मैदान तक रोड शो भी करेंगी और तिलोई के जायस में रोड शो करेंगी कांग्रेस महासचिव। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ यूपी में चौथे चरण का मतदान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज अमेठी दौरे पर जा रही है कांग्रेस महासचिव। इस दौरान अमेठी में वो जगदीशपुर में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन करेंगी, गौरीगंज में जनसभा भी करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। इस दौरान वो रोड शो करेंगी राजीव गांधी प्रतिमा से रामलीला मैदान तक। इस रोड शो का आयोजन किया गया है, जबकि उनका दूसरा रोड शो तिलोई के जायस में भी होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेठी दौरे पर आ जा रही है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और जगदीशपुर में नुक्कड़ सभा का भी आयोजन होगा और गौरीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगी। तो आपको बता दें कि इस वक्त यूपी में भी चौथे चरण का चुनावी रण छिड़ चुका है और 9 जिलों की 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है, जिसको लेकर जनता में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर इस खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, आप जिस अभी मतदान स्थल पर मौजूद है, वहां दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, अगर बात करें तो दिव्यांग और जो सीनियर सिटीजन श्रेष्ठ जन है, उनके लिए चुनाव आयोग के द्वारा पोस्टल वैलेट की सुविधा का बात किया गया था। कहा गया था कि मतदान दिन से पहले, मतलब कि 23 को मतदान अगर आज हो रहा है, तो 21 तारीख को जो चुनाव आयोग की टीम है, वो बुजुर्ग और जो दिव्यांग जन है उनके घर जाएगी और इतिहास में पहली बार पोस्टल वैलेट से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन मैं मुस्कान आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल कारगर साबित नहीं होता दिख रहा है। और लगभग कुछ बूथों पे हम घूम चुके, दिव्यांग और बुजुर्ग लोग भी मतदान करते हुए दिख रहे हैं। वहीं जो चुनाव आयोग है उसके तरफ से कहा गया था कि व्हील चेयर दिया जाएगा, मगर अब तक ऐसे कई सारे विजुअल आ चुके हैं, ऐसे कई सारे दृश्य देखे जा चुके हैं, जहां सभी जो पोलिंग बूथ है वहां व्हीलचेयर और बुजुर्गों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी यहां एक बुजुर्ग अपनी समस्या को लेकर बता रहे हैं, तो इनसे भी हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। सर, अपना नाम बता दें। अंजुम। अंजुम, क्या समस्या को लेकर आप बात कर रहे हैं? अभी हम वोट दे के निकले हैं तो यहाँ पे इंदिरा नगर फायर स्टेशन के एक सज्जन मिले, जिनकी वाइफ का तो वोट है और उनका वोट खुद का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो उनको मैंने एक पोस्ट दिखाया कि जो आया हुआ था कि जो है ये धारा 49 के तहत आप अपना आधार वोटर आईडी दिखा के अपना चुनौती वोट मांग कर सकते हैं, जबकि वो पुलिस के विभाग का आदमी है, फायर स्टेशन का आदमी है। इंदिरा नगर फैजाबाद रोड पर जो स्थिति है, स्थित है फायर स्टेशन, उसके व्यक्ति हैं वो, उनका वोट नहीं है और अंदर है वो। जी, आपने वोट दिया? हमने वोट दिया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ठीक महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, हमें ये बताएं आपकी उम्र कितनी है?
हमारी उम्र कम से कम 65 साल है। 65 साल दिव्यांग जन और बुजुर्गों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई, तो क्या आपको इससे रूबरू हुई? किसी को नहीं मिली है ना, दिव्यांग तो बेचारे अपने बैसाखी वगैरह लेके आए हुए हैं। जी, तो हमारे साथ यहाँ पे एक मतदाता थे जो साफ तौर पर इनके अंदर काफी रोष है, जो बता रहे हैं कि यहाँ दिव्यांगजन वोट देने आ रहे हैं और बुजुर्गों के लिए जो व्यवस्था की गई है वो बस एक कागजी है। जी मुस्कान, चुनाव आयोग ने पहले से ही गाइडलाइन जारी कर रखी थी इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर, तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही की वजह क्या रही है? जी, अगर बात करें तो जो भी आला अधिकारी और जिम्मेदारान है वो साफ तौर पे अपने जो कर्तव्य है उसको पालन नहीं करते हुए दिख रहे हैं, और वहीं अगर बात करें तो दिव्यांगजनों और जो बुजुर्ग थे उनके लिए पोस्टल बैलेट, और साथ ही साथ बताया गया था कि ऐसे दावे किए गए थे कि जो मतदान केंद्र होगा वहां उनके लिए ट्राइस है, जो बाइसिकल आती है, जो व्हील चेयर वाले बाइसिकल आते हैं उससे उनको मतदाता कक्ष तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, मगर अब तक ऐसा नहीं दिखा है। वहीं तमाम ऐसे बूथों से विजुअल्स निकल के आ रहे हैं कि डंडे के सहारे से बुजुर्ग पहुंच रहे वोट देने, तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारों की तरफ से बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है। जी लगातार विभांशु आप जनता के बीच जाकर लोगों से संपर्क कर रहे थे, उनका चुनावी मुद्दा जान रहे थे, तो क्या लगता है आपको कि इस बार के चुनावों में जनता का प्रत्याशी चुनने का मुद्दा क्या रहेगा विभांशु? जी अगर बात करें तो अब तक उत्तर प्रदेश के 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं, चौथे चरण का मतदान हो रहा है, तो वही अगर पहले आए पहले फेज पे तो जाट लैंड पे ये मतदान था जहां जो वोटर्स थे उनके अंदर काफी तरह का रोष था और वो काफी ऐसे फार्मूले दोनों पार्टियों जो पक्ष विपक्ष उनकी तरफ से दिया गया, मगर आने वाले 10 मार्च को इसका रिजल्ट आएगा और पता चलेगा। आएंगे अगर दूसरे चरण पे तो दूसरे चरण की मतदान पे बात करें तो ये लगभग 55 सीटों पे था और आपके 9 जिलों में, तो वहां पे भी अगर बात करें तो ये मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र थे, तो उसमें खास तौर पे समाजवादी पार्टी को एक आस है, मगर तीसरे चरण की अगर पे आए तो तीसरे चरण जो है वो यादव लैंड और बुंदेलखंड क्षेत्र में था जहाँ साफ तौर पे ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, और इस बार भी भाजपा ने वहां से 51 सीटें निकाली थी, तो खास तौर पे हम कह सकते हैं जो तीसरे चरण का मतदान था जिसमें 59 सीटें 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान था, जिसमें साफ तौर पे जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की चाबी है वो तीसरे चरण से आने वाली थी। लेकिन अब अगर बात करें तो आज के मतदान, 23 के मतदान और 27 के मतदान पे लगभग सैकड़ों विधानसभा सीटों से ऊपर मतदान होना है, इससे ये तय हो जाएगा। वही मुस्कान आप देख सकती है कि लोगों का जो आने का सिलसिला है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और मौसम की बात करें तो मौसम भी हल्की ठंड के साथ जो हवाएं चल रही है जिससे मतदाता अभी खास पोलिंग बूथ पे दिख नहीं रहे हैं, वहीं हम आमतौर पे देखते हैं कि 9 बजे के बाद वोट प्रतिशत बढ़ जाता है। जी जी विभांशु, तो इस बार के चुनाव में महिला वोटर्स कितनी एक्टिव दिखाई दे रही हैं? आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं वहां पे महिलाओं की भागीदारी अब तक क्या नजर आ रही है आपको विभांशु? जी अगर बात करें तो महिलाओं की भागीदारी अब 8% जो है वो इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर में बढ़ा है, और पोलिंग बूथ के भी अंदर अगर मैंने सुबह से पोलिंग बूथों पर नजर बना रखी है तो खास तौर पे जो सीनियर सिटीजन है या बुजुर्ग हैं वो अपनी मतलब पति पत्नी साथ वोट देने आ रहे हैं, तो खास तौर पे हम कह सकते हैं कि 8% जो है वो एक समान है। वहीं अभी मैं जिस पोलिंग बूथ पे खड़ा हूँ वहां आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ कुछ मतदाता वोट दे के आ रहे हैं, जिसमें खास तौर पे आप देख सकती हैं कि दोनों जो वर्ग है वो दोनों साथ आ रहा है और मतदान प्रतिशत इसमें देखा जाए तो बढ़ रहा है। वहीं अगर बात करें तो अभी पहले जो पहला फेज चौथे चरण का पहले शिफ्ट का मतदान चल रहा है, तो आने वाले 9 बजे ये पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन को बता दिएगा कि 8% क्या रहा है। जी मुस्कान, विभांशु इस बार लखनऊ में कौन कौन से दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है?
जी अगर बात करें तो लखनऊ में इस बार मध्य सीट से जो उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हैं बृजेश पाठक, वो उनकी वो कैंट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भी वो भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर जो कि रिटायरमेंट लेकर अब इस बार किस्मत अजमा रहे हैं, तो उन्हें लखनऊ के जो हॉट सीट थी सरोजनी नगर उनसे वहां उतारा गया। उनके सामने अगर बात करें तो काफी ऐसे दिग्गज हैं जो पहले चुनाव जीत चुके हैं और वो अगर बात करें तो सरोजनी नगर पे भाजपा के ये सीट ये गढ़ रहा है। वहीं अगर बात करें उत्तर में तो उत्तर में नीरज बोरा जो भाजपा के दिग्गज नेता है और डॉक्टर नीरज बोरा वहां से है। और वहीं अगर बात करें लखनऊ पूर्वी से तो नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी अपने किस्मत को अजमा रहे हैं। और वहीं आपको बताना चाहेंगे कि मायावती जो सपा बसपा की सुप्रीमो है सुश्री मायावती, वो भी सुबह मतदान की है और सपा पे पूरी तरह से हमला बोला है। तो और उन्होंने कहा है कि अगर सपा झूठे ख्याली पुलाव सेक रही है, वो किसी तरह से सत्ता में नहीं आ रही है और बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी जिम्मेदारी से पोलिंग बूथों के पास निगरानी की जा रही है और वहीं जो जो भी मतदाता आ रहे हैं उनकी नॉर्मल चेकअप किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो कोविड गाइडलाइन में जो मास्क की बात की गई थी वो खास तौर पे मास्क लगाए हुए लोग यहाँ सभी दिख नहीं रहे हैं। वहीं अगर देखें तो हमारे सामने कुछ प्रशासन के लोग खड़े हैं, उनकी तरफ से भी अगर बात करें तो 50% गाइडलाइन को पालन किया जा रहा है। जी मुस्कान, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता दें कि लखनऊ समेत 9 जिलों की विधानसभा सीटों पर मतदान डाले जा रहे हैं, तो 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुके हैं, जिसको लेकर लोगों में खासा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर वही बात लखनऊ की जाए तो लखनऊ में कई मतदान स्थल ऐसे हैं जहां पे बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने इससे पहले एडवाइजरी भी जारी की थी, जिसके बावजूद अधिकारियों ने ये लापरवाही बरती है। तो हम आपको बताते चले कि वहीं अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में 2017 के चुनावी नतीजे कुछ ऐसे रहे थे कि 9 में से 8 सीटें भाजपा के खाते में आई थी और इस बार लखनऊ में कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लग रखी है। वहीं भाजपा के राजेश्वर सिंह समेत कानून मंत्री बृजेश पाठक, आशुतोष टंडन समेत कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लग रखी है। और आपको हम बताते चले कि लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान स्थल पर अपना मत दिया है। इस दौरान उनके साथ बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि इस दौरान लगातार दिग्गज जो है कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लग रखी है। अभी तक लखनऊ में अगर दिग्गजों की बात की जाए तो सिर्फ मायावती ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जबकि इस लखनऊ में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा 9 बजे के बाद वोटरों की संख्या में भी और ज्यादा इजाफा हो जाएगा, वोटर्स और ज्यादा जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी बीच में पूरे प्रदेश में जहां जहां पे 4 चरणों के चुनाव होने हैं, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आया है और अभी तक लखनऊ से ईवीएम खराब होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो प्रदेश में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अब 4थे चरण का चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। और इस 4थे चरण के चुनावों में सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली, राजनाथ सिंह के गढ़ लखनऊ में कई दिग्गजों की साख दांव पर लग रखी है, जिसका नतीजा 10 मार्च को ही आएगा कि आखिर जनता ने किसको चुना है, किसके सर पर ताज पहनाया है। तो आपको बता दें कि 4थे चरण का मतदान सुबह 9 बजे से ही चालू हो चुका है, जहां उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा समेत लखनऊ, पीलीभीत, लखीमपुर, हरदोई, इन सभी जिलों पर लगातार जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है और 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में इस 4थे चरण में उतरे हैं, जिनकी किस्मत आज शाम 6 बजे तक ईवीएम में कैद हो जाएगी।
तो सुबह 7 बजे से चालू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान सभी 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। प्रदेश के कई दिग्गजों की साख जो है वो दाव पर लग रखी है। वहीं अगर बात लखनऊ की जाए तो लखनऊ में कानून मंत्री बृजेश पाठक, राजेश्वर सिंह समेत आशुतोष टंडन जैसे कई दिग्गजों की किस्मत दाव पर लग रखी है, जिसका खुलासा 10 मार्च को ही होगा कि आखिर जनता ने किसके सर पर अपना ताज पहनाया है या किसको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो आप हमारी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि चौथे चरण के चुनाव में कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, जिसमें लखनऊ कैंट से बृजेश पाठक है, लखनऊ मध्य से सपा से रविदास मेहरोत्रा है, वही मोहनलालगंज से भाजपा के अमरेश कुमार रावत की साख पर भी इस चुनाव में दाव लग रखा है, और वही मोहनलालगंज से उनकी टक्कर में सपा से सुशीला सरोज चुनावी मैदान में उतरी है, जबकि नीरज बोरा भाजपा से लखनऊ उत्तर से प्रत्याशी हैं। वहीं लखनऊ उत्तर से उनके प्रतिद्वंदी के रूप में पूजा शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चौथे चरण में भी सपा और भाजपा के प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं हरचंदपुर के राकेश सिंह भी भाजपा से हैं, इनकी भी चुनावी साख जो है वो दाव पर लग रखी है, और भाजपा से प्रकाश द्विवेदी आप हमारे स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि आखिर चौथे चरण के वो बड़े चेहरे कौन से हैं जिनकी साख दाव पर लग रखी है। इन सभी की किस्मत, इन सभी बड़े चेहरों की किस्मत आज शाम 6 बजे तक ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसका खुलासा 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब होगा। तो मलिहाबाद से जय देवी भाजपा की प्रत्याशी हैं, वहीं हरदोई सदर से नितिन अग्रवाल। तो जैसे कई बड़े चेहरे हैं जिनकी साख दाव पर लग रखी है, और सुबह 7 बजे से ही वोटर्स लगातार मतदान स्थल पर जाकर अपने मताधिकार का पूरा पूरा प्रयोग कर रहे हैं और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। ये मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत, यानी 624 प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो सुबह 7 बजे से ही मतदान चालू हो चुका है जो शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसको लेकर सभी 9 जिलों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके, कहीं भी कोई हिंसा की खबर ना आए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। और तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह सीतापुर, फतेहपुर, लखनऊ और उन्नाव में पुलिस प्रशासन पूरी तरह दुरुस्त है। इसकी गवाह ये तस्वीरें हैं कि चुनावों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। वहीं बात अगर लखनऊ की जाए तो मायावती ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग सबसे पहले किया है। इस दौरान कई दिग्गज दिन चढ़ने के साथ ही अपने मताधिकार का भी पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो 9 जिलों की 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है जो शाम 6 बजे तक होगा। इस दौरान कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पे कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है, तो कई पोलिंग बूथ ऐसे भी हैं जहां पे कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, ना ही बुजुर्गों के लिए ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर की भी कोई भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ चुके हैं। तो ओम शंकर जी, जनपद में 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, जिसको लेकर जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी हाँ, कहीं ना कहीं जो है वो रायबरेली जनपद में जो है मतदाताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि सुबह से ही महिलाएं जो है, बच्चे हैं और चाहे वृद्ध हो जो है, वो लाइन में लगकर जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और चौथे चरण के मतदान के लिए रायबरेली जनपद में मतदाताओं में ज्यादा ही जिला प्रशासन कहीं ना कहीं वोटरों को जो है, मतदाताओं को जो है अपने घर से निकालने में कामयाब रहा है,
और जो है वो लाइन में लगकर मतदान कर रहे हैं। तो जनपद में चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां कर रखी है पुलिस ने कि शांतिपूर्ण तरीके से जनपद में मतदान संपन्न हो सके? जी हाँ, मतदान पुलिस बल के साथ साथ पैरामिलिट्री पुलिस भी मौजूद है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रायबरेली जनपद में मतदान चल रहा है। इस समय महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के मैदान में है, यहाँ पर जो है सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और भारी मात्रा में यहाँ पुलिस बल है, कानून व्यवस्था की किसी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। जी ओम शंकर जी, मैं आपसे एक आग्रह करूंगी कि आप मतदान स्थल की हमें तस्वीरें दिखाएं ताकि हम ये जनता को बता सके कि आखिर सुबह से ही लोग कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम कोशिश करते हैं मतदान स्थल की तस्वीरें दिखाने के लिए, कैमरा मैन से कहेंगे कि वो साथ आए हमारे और वो दिखाएं यहाँ पर जो है ये सुबह से ही जो लाइनें लगी हुई हैं, उनसे कहेंगे कि वो दिखाएं यहाँ पर जो है ये जो है मतदाता जो है वो आ रहे हैं और जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो ओम शंकर जी, 2017 के चुनावी नतीजे यहाँ से क्या रहे थे? जी हाँ, 2017 के चुनावी नतीजे रायबरेली से सदर विधायक जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से अदिति सिंह यहाँ से विजयी हुई थी, लेकिन अब की बार जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कहीं ना कहीं आरपी यादव जो है वो उनको एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं। रायबरेली की ऐसी कौन सी हॉट सीट है जहाँ पे कांटे की टक्कर प्रत्याशियों के बीच देखने को मिलेगी? जी हाँ, रायबरेली की सबसे हॉट सीट जो है ऊंचा हाल है, जहाँ पर जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो प्रदेश के नेता है अमरपाल मौर्य, वो जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी जनसभाओं को राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हो चाहे अमित शाह हो और जो है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी तक बड़े बड़े नेताओं का दिग्गजों का वहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। दूसरे नंबर पर हर सीट रायबरेली की सदर विधानसभा सीट पर है, जहाँ से अदिति सिंह के पिता स्वर्गीय अखिलेश सिंह लगातार 5 बार से विधायक रहे थे, फिर उनके बाद जो है उनकी बेटी अदिति सिंह 94,000 वोटों से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार न वो कांग्रेस में है, न कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इस समय वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है और जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कहीं ना कहीं उनको कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ओम शंकर जी, आप इस वक्त मतदान स्थल पर मौजूद है, तो वहां पर कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन किया जा रहा है और बुजुर्गों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? जी हाँ, कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है, मतदाताओं को मास्क दिया जा रहा है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कोविड कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन के जो भी नियम है उनका पूरी तरह से पालन यहाँ पर हो रहा है। रायबरेली में अब तक किन दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है? हाँ, रायबरेली से जो है सदर विधानसभा से अदिति सिंह ने अपने गाँव में वोट डाला है, उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी के नेता आरपी यादव ने अपने गाँव में डाला है, इसके बाद जो है कांग्रेस से जो सदर विधानसभा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर मनीष चौहान ने, इन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है। तो ओम शंकर जी, लगातार आप जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों को जान रहे थे, उनकी परेशानियों को समझ रहे थे, तो क्या लगता है इस बार रायबरेली की जनता किन मुद्दों पर अपना प्रत्याशी चुनेगी और वोट डालेगी? जी हाँ, रायबरेली की जनता के लोगों की मिली जुली राय आई है, कहीं ना कहीं जो है कानून व्यवस्था पर सरकार को सराहा जा रहा है, लेकिन महंगाई, आवारा जानवर और बेरोजगारी के मुद्दे पर लोग जो है सब सत्तासीन पार्टी पर हमलावर भी हो रहे हैं। तो अभी तक 3 चरणों के मतदान ओम शंकर जी हो चुके हैं, तो कई जनपदों से ऐसी खबरें आई कि ईवीएम खराब हो रही है, तो क्या रायबरेली जनपद से ऐसी कोई खबर अभी तक सामने आई है? नहीं नहीं, रायबरेली जनपद में अभी तक ईवीएम खराब होने की या किसी बूथ पर कोई विवाद होने की इस तरह की अभी भी कोई भी खबर नहीं आई है और इस जनपद में जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जो है वो चल रहा है। इन चुनावों में महिला वोटर्स और युवा वोटर्स कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं? जी हाँ, महिलाएं कुछ ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि हमने कई महिलाओं से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि हम सुबह सुबह अपने मत का प्रयोग कर ले, चूंकि घर के भी काम रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सुबह सुबह ही लाइन में लगकर वो अपने मत का प्रयोग कर रही है। तो ओम शंकर जी, रायबरेली में इस बार सपा और भाजपा के बीच क्या कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? जी हाँ, जनपद में सभी जो है 6 विधानसभा है, लेकिन चौथे चरण में 5 विधानसभा
में चुनाव ही हो रहे हैं, सलवन विधानसभा छठे चरण में है, तो हर सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच ही टक्कर होती नजर आ रही है। चौथे चरण के मतदान को लेकर लगातार कई दिग्गज रायबरेली में दौरे पर आए, चाहे वो भाजपा हो और सपा ही क्यों ना हो, कई दिग्गजों ने यहाँ पे प्रचार में ताकत झोंकी है। तो क्या इन दिग्गजों का दौरा सियासी समीकरण बिगाड़ने में या बनाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? जी हाँ, कहीं ना कहीं जो है जैसे प्रियंका गांधी रायबरेली के सदर विधानसभा सहित जो है हरचंदपुर बछवावा और ऊंचाहर विधानसभा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। अमित शाह ने जो है वो दो जनसभाओं को संबोधित किया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है उन्होंने हरचंदपुर और जो है सरेली विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। तो निश्चित कहीं ना कहीं वोटों के ध्रुवीकरण माना जा रहा है। अच्छा, रायबरेली को ओमशंकर जी सोनिया गांधी का गढ़ कहा जाता है, तो कांग्रेस से इस बार किन किन दिग्गजों की साख दांव पर लग रखी है? हाँ, कांग्रेस जो है वो हालांकि जो है कांग्रेस से ही जीती हुए दो विधायक इस समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि प्रत्याशी जो इनके टिकट पे लड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। हालांकि इन्होंने जो है सरेली विधानसभा से सुधा द्विवेदी को मैदान में उतारा है और वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है पूर्व विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। इसी तरह बछवावा विधानसभा में सुशील पासी जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार है, जो निश्चित कहीं ना कहीं अपना दल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह सदर विधानसभा में एक साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सिंह चौहान है, जिनके बहुत पुराने जो है ये पूरा परिवार कांग्रेसी रहा है। कांग्रेस ने अपनी बारी के ऊपर दांव लगाया है। धन्यवाद ओमशंकर शुक्ला इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रायबरेली जिसे सोनिया गांधी का गढ़ कहा जाता है, वहां कांग्रेस के पार्टी को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस बार की तरह 2017 की ही तरह इस बार भी उनका प्रत्याशी भाजपा का दामन थाम ले। तो इस बार रायबरेली में भाजपा और सपा के साथ साथ कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, जबकि कांग्रेस के साथ इस बार ये चुनौती होगी कि वो अपना रण आखिर कैसे बचाती है, अपना गढ़ कैसे बचाने में कामयाब साबित हो सकती है। तो वहीं अगर हम बता दें कि सुबह 7 बजे से ही रायबरेली, लखीमपुर खीरी, हरदोई समेत लखनऊ और 9 जिलों पर सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस दौरान कई दिग्गजों की साख दांव पर लग रखी है और सुबह 7 बजे से ही मतदान स्थल के बाहर जनता की भारी और लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो इस बार चौथे चरण में कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी है। फिर चाहे वो कानून मंत्री बृजेश पाठक हो, वो लखनऊ कैंट से इस बार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। वहीं लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा पर सपा ने अपना दांव खेला है। तो ये ऐसे कुछ बड़े चेहरे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जिनकी साख इस बार दांव पर लग रखी है, और इन्हीं सब प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। ये तो बड़े चेहरे हैं प्रदेश के जो चौथे चरण में जिनको जनता अपना मताधिकार देगी, अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। इसके साथ ही 624 ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनकी किस्मत दांव पर लग रखी है। तो इस दौरान 9 जिलों के 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुके हैं और ये मतदान सुबह 9 बजे, माफी चाहूंगी, शाम 6 बजे तक चलेंगे, जिसको लेकर कई प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में शाम 6 बजे तक कैद हो जाएगी और पूरा पुलिस प्रशासन शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए अलर्ट हो चुका है, अलर्ट मोड पर एक्टिव हो चुका है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात की गई है। लेकिन कई मतदान स्थल से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वहां कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कराया जा रहा है, बुजुर्गों के लिए और दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि चुनाव आयोग ने ये एडवाइजरी भी जारी की थी और ऐसे आदेश भी दिए थे, जिसके बाद कई स्थलों पर ये लापरवाही देखने को मिल रही है। तो आपको हम बताते चले कि इस चौथे चरण के चुनाव में 624 प्रत्याशियों की साख जो है वो दांव पर लग रखी है और 59 जिलों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लगातार लोग मतदान स्थल के अंदर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि मतदान स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, होमगार्ड हो, सभी की तैनाती कर दी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं से भी कोई चूक ना रह जाए
और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो सके। थोड़ी देर में ही ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि राजनाथ सिंह भी लखनऊ से वोट डालेंगे, जबकि वही दिग्गजों की बात करें तो मायावती समेत बृजेश पाठक के पूरे परिवार ने मताधिकार का अपना इस्तेमाल किया है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए सीतापुर से हमारे संवाददाता सुनीश जुड़ चुके हैं। तो सुनीश जी, सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, जिसको लेकर पुलिस व्यवस्था कितनी अलर्ट है, पुलिस प्रशासन कितना कुछ अलर्ट नजर आ रहा है? मैं आपको जो है जानकारी दे दूं कि सीतापुर में चौथा चरण का चुनाव है और सीतापुर में अभी तक 25,000 से 30,000 पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ भी तैनात है और सीतापुर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हुए हैं। जी जी सुनील जी, सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो चुका है, जिसको लेकर जो लोग हैं, जो जनता है, उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, साथ ही महिला वोटर्स कितनी एक्टिव नजर आ रही हैं? आपको बता दें कि महिलाओं का इस चुनाव में काफी उत्साह दिख रहा है, चाहे जो प्रथम बार वोट डाल रही हैं लड़कियां, उनकी भी बात करें तो वो भी काफी उत्साहित दिख रही हैं, क्योंकि वो प्रथम बार वोट डाल रही हैं और वो अपने मतदान का पूर्ण रूप से प्रयोग कर रही हैं। और जहां तक बात की जाए महिलाओं की, तो वो अपने मतदान केंद्र पर लगातार पुरुषों से ज्यादा संख्या में दिख रही हैं। अच्छा मुनीश जी, लगातार आप जनता के बीच जाकर लोगों से बात कर रहे थे, उनके मुद्दे जान रहे थे, उनकी मुश्किलें और उनकी परेशानियां समझ रहे थे, तो क्या लगता है सीतापुर की जनता का इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? ये आपको बता दें कि सीतापुर का चुनावी मुद्दा इस समय सबसे ज्यादा महंगाई और भ्रष्टाचार पे दिख रहा है, जिसमें कि आप समझ सकती हैं कि जो जनता का रुख है वो यही है कि जो सरकार आएगी वो महंगाई पे नियंत्रण और अंकुश लगाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर बात करें कि महंगाई पे अगर कोई सरकार नियंत्रण नहीं लगाती है या जिनको वोट करते हैं तो उनको काफी निराशा होगी, इसीलिए वह अपने मताधिकार का पूर्ण रूप से सही प्रयोग करना चाहती है। तो सीतापुर में अभी तक किन किन दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी सही से। जी हम आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको बता दें कि चौथे चरण में कुल 9 जिलों में मतदान हो रहे हैं, सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुके हैं और शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। वहीं अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर जनपद में, सिर्फ सीतापुर जनपद में 25,000 से 30,000 तक जवानों को तैनात किया गया है, ताकि जनपद में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ चुनाव हो सके, कहीं से भी कोई हिंसा की खबर सामने ना आए। दाव पर लग रखी है से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब तक सीतापुर में किन किन दिग्गजों ने वोट डाल दिए हैं? मुनीश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो मुनीश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे दोबारा फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो हम आपको बताते चले कि चौथे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जबकि 3 चरणों का मतदान हो चुका है और चौथे चरण के मतदान को लेकर जनता काफी जागरूक नजर आ रही है और लोगों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। यही वजह रही है कि सुबह 7 बजे से ही लगातार जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर जा रही है और ये मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान कई दिग्गजों की किस्मत जो है वो जनता शाम 6 बजे तक ईवीएम में कैद करेगी। तो 624 उम्मीदवार कुल चुनावी मैदान में उतरे हैं और इन 9 जिलों पर मतदान हो रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, इन तमाम जिलों पर लगातार सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हरदोई से हमारे संवाददाता वीरेन जुड़ चुके हैं। तो वीरेन जी, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जिसको लेकर जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है?
मैम चौथे चरण का चुनाव चालू हुआ है, यहाँ पे जनता काफी खुश नजर आ रही है क्योंकि जनता सुबह 7 बजे से लाइन में लगी हुई है हमारे पोलिंग बूथ। अभी हमने देखा पहला मिलिट्री फोर्स भी लगी है, प्रशासन के द्वारा सख्त यहाँ पे फोर्सेज भी लगी हुई है, और सबसे बड़ी बात है कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पे सरकार के द्वारा पालन भी कराया जा रहा है। अधिकार का प्रयोग किया है वीरेन जी? जी मैम, वीरेन जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मैम मिल पा रही है। वीरेन जी अभी तक किन दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है हरदोई में? मैम हरदोई में देखिए अभी अद्भुत मन्नान जी ने अभी नामांकन किया है, और रामपाल वर्मा जी ने किया है, और नितिन अग्रवाल जी ने भी सदर विधानसभा में नामांकन किया है। वीरेन जी अगर 2017 की बात करें तो वहां से चुनावी नतीजे क्या रहे थे? चुनावी नतीजे यहाँ से 2017 में टोटल 8 सीटों की टोटल 8 सीटों पे बीजेपी का कब्जा रहा है। वीरेन जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मैं मिल पा रही है। जी वीरेन जी, तो लगातार 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, इसमें महिला वोटर्स और युवा वोटर्स कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं? मैम सुबह 7 बजे से ही महिलाएं लगातार कतार में खड़ी हुई है, सुबह 6:30 बजे से यहाँ पे कतार में खड़ी हो गई थी सुबह से, और मैम एवियन स्लो होने के कारण यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं खुद वोट डालने के लिए गया था तो बहुत स्लो लाइन चल रही है। अच्छा वीरेन जी, लगातार आप जनता के बीच जाकर जनता से संपर्क कर रहे थे, जनता की परेशानियों को जान रहे थे, तो जनता इस बार किन मुद्दे पर अपने प्रत्याशियों को चुनेगी? मैम सबसे बड़ी बात है विकास की मैम, और बेरोजगारी की, और सबसे बड़ी अहम बात है मैम किसानों के लिए, सबसे बड़ी बात है मैम जो ये पशु है आवारा पशुओं से सबसे ज्यादा किसान उससे परेशान है। यानी इस बार किसान जिनके साथ होगा हरदोई में, उन्हीं की सत्ता हरदोई में बनेगी? बिल्कुल मैम बिल्कुल, किसान जिसके साथ रहा है सरकार उसी की बनी है, और युवा जिसके साथ रहा है सरकार उसकी बनी है मैम, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा है और युवाओं से ही सरकार बनती है। अब देखना नजारा भी ये देखने को मिल रहा है, युवा जिसके साथ खड़ा होगा उसकी सरकार बनेगी। वीरेन जी हरदोई में 2022 के चुनावों में किन किन दिग्गजों की साख दांव पर लग रखी है? मैम देखिए रामपाल वर्मा जी हैं जो बालावा विधानसभा से हैं, वो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं बीएसपी सरकार में, और बीएसपी सरकार में विधायक भी रहे हैं, और उनका यहाँ पे काफी अच्छा वर्चस्व रहा है। इस बार काफी बड़ा बहुत बड़ा मुकाबला होगा सपा से बसपा से और इनके बीच में। जी सुबह 7 बजे से ही मतदान चालू हो चुका है वीरेन जी, और चुनाव आयोग की एडवाइजरी के मुताबिक सभी मतदान स्थलों पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी ट्राईसाइकिल की, तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं हरदोई में देखने को मिल रही है? यहाँ व्हील चेयर की व्यवस्था है मैम, यहाँ पे अगर कोई बुजुर्ग आने में असमर्थ है तो उनको लाया जा रहा है। और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है जनपद में ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके? जी मैम, और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है जनपद में कि शांतिपूर्ण तरीके से शाम 6 बजे तक मतदान हो सके? मैम जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, और सबसे बड़ी बात है मैम कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से की गई है, और प्रशासन के द्वारा पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसके कारण कोई भी यहाँ पे अभी तक हरदोई जिले में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली जिससे कि पोलिंग बूथ पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, सारी पोलिंग बूथों पे शांतिपूर्ण की मतदान हो रहा है। अभी तक यूपी में 3 चरणों के मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं, और लगातार जनपदों से ऐसी खबर आई थी कहीं हिंसा हो रही है, कहीं ईवीएम खराब हो रही है, तो क्या अभी तक हरदोई से ईवीएम खराब होने की कोई खबर आपको मिली है? नहीं अभी तो कोई ऐसी सूचना नहीं हमारे पास आई है, और ना ही कहीं किसी मोबाइल के द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि हरदोई जिले में कहीं लड़ाई झगड़ा दंगा हुआ, कहीं ईवीएम खराब हुआ हो, शांतिपूर्वक ही यहाँ पे चुनाव हो रहा है हरदोई जिले में। दिन चढ़ने के साथ ही और कौन कौन से दिग्गज हरदोई में वीरेन जी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी मैम, दिन चढ़ने के साथ ही हरदोई में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, तो दिन चढ़ने के साथ ही और कौन से ऐसे दिग्गज है जो हरदोई में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे? मैम ऐसा तो कुछ नजारा नहीं देखने को मिला, ना ही ऐसी कोई सूचना मिली है मैम जो मैं आपको बता सकूं।
धन्यवाद वीरेन जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता दें कि आज यूपी में चौथे चरणों के मतदान शुरू हो चुके हैं। इस दौरान कई दिग्गजों की साख दांव पर लग चुकी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है जो शाम 6 बजे खत्म होगा। इस दौरान ब्रिजेश पाठक, राजेश्वर सिंह, रविदास मेहरोत्रा समेत कई दिग्गजों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होगी, जिसका खुलासा 10 मार्च को होगा कि आखिर जनता ने किसके सर पर जीत का ताज पहनाया है। अभी तक हमने जिन जिलों के संवाददाताओं से संपर्क किया, सब जगह के संवाददाताओं ने हमको यही बताया कि इस बार जनता का मुद्दा होगा विकास, जिसके बल पर ही जनता जो है वो अपना प्रत्याशी चुनेगी और उसको जीत का ताज पहनाएगी। तो 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत जो है वो सामने आ चुका है। तो 9 जिलों के 59 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ रहे हैं, जहां पीलीभीत में 5.6% मतदान हो चुके हैं, वहीं लखीमपुर में 6.2%, सीतापुर में 3.9%। ये सभी मतदान प्रतिशत हम आपको 9 बजे तक का बता रहे हैं, जहाँ हरदोई में 4.2% मतदान अब तक हो चुके हैं। वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में 4.5% मतदान हो चुके हैं, उन्नाव में 4.3%, रायबरेली में 5.2%, फतेहपुर में 3.2% मतदान हो चुके हैं, जबकि बांदा में 4.6%। तो ये हमने आपको मतदान प्रतिशत यूपी में चौथे चरण के 9 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत आपके सामने आया। तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा इन मतदान प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जबकि अब तक लखीमपुर में सबसे ज्यादा वोट डाले गए हैं 6.0%, वहीं पीलीभीत में 5.3% मतदान हो चुका है। तो अभी तक लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए 9 बजे तक 6.0% अपना वोट डाला है, जिसके बाद पीलीभीत की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए 5.3% वोट डाला है। वही अगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में 4.5% वोट डाले गए हैं। अभी तक सबसे कम फतेहपुर में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, फतेहपुर में 3.2% ही मात्र अभी वोट डाले गए हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा इन आंकड़ों में भी तेजी आएगी और शाम 6 बजे तक का मतदान प्रतिशत ही फाइनल प्रतिशत माना जाएगा कि आखिर जनता कितनी जागरूक है और जनता ने अपने मताधिकार का कितना प्रयोग किया है। तो इन 9 जिलों में कई दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। साथ ही ब्रजेश पाठक ने भी अपने परिवार समेत मतदान स्थल पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो आपको बता दें कि यूपी में 9 चरण का मतदान प्रतिशत आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा लखीमपुर की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 6.0% लखीमपुर खीरी में मतदान हुआ है, जिसके बाद पीलीभीत की जनता सबसे ज्यादा अभी तक जागरूक दिखाई दी है, जहां 5.3% मतदान हुआ है, जबकि उन्नाव में 4.3% मतदान हुआ है, वहीं सीतापुर में 3.9% मतदान हुआ है। सबसे कम फतेहपुर में मतदान अभी सुबह 9 बजे तक किया गया है, 3.2% ही फतेहपुर में मतदान किया गया है। तो आपको बता दें कि यूपी में चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है, जिसमें कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी है, जहां रायबरेली जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपने गढ़ को कैसे मजबूती के साथ रखे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।